मैं श्यामलाल बसंत प्रेसिडेंट ऑल जे एंड के दल चेतना मंच कॉरपोरेट वार्ड नंबर 48। जैसा कि दुनिया की इस महान हस्ती को भारत जिसने भारत की राजनीति की दशा और दिशा ही बदल दी, जो कि फाउंडर हैं DS4 और BSP के जो फाउंडर हैं, उन्होंने अपनी सारी उम्र उन्होंने दलितों के लिए, मजलूमों के लिए, उनके हक दिलाने के लिए लगा दी। भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बाद अगर किसी हस्ती को हम याद करते हैं तो वो है मान्यवर कांशीराम जी, जिनकी हस्ती का आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो जब पार्लियामेंट के अंदर पहली बार जो एंटर हुए थे, बड़ी बड़ी हस्तियाँ, बड़े बड़े जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट थे, उनको गेट के ऊपर वेलकम करने, रिसीव करने के लिए आए थे। और दूसरी बार जब वो राष्ट्रपति भवन में जब गए थे, महामहिम जो हमारे KR नारायणन जी थे, राष्ट्रपति थे, जब वो वापस जब आने लगे तो उन्होंने कहा कि जो हमारे KR नारायणन जी हैं उनको साथ गेट पर छोड़ने के लिए, प्रोटोकॉल तोड़ के गेट के ऊपर उनके छोड़ने के लिए आ गए। लेकिन जब उन्होंने कांशीराम जी ने कहा कि आप इस देश के राष्ट्रपति हो, आपको ऐसा नहीं, आपको नहीं आना चाहिए, मैं खुद ही चला जाऊँगा, कांशीराम खुद ही चला जाएगा, जवाब में उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि इस मुल्क को दलित राष्ट्रपति मिल जाएगा, लेकिन कांशीराम द्वारा इस मुल्क को, इन लोगों को नहीं मिलेगा। इस बात को अंदाज़ा लगा सकते हैं वो किस हाइट के, उनका कद कितने कद्दावर नेता थे, और सारी उम्र उन्होंने साइकिल से लेकर वो उन्होंने हेलीकॉप्टर तक जो उन्होंने यात्रा की, और देश के इस सबसे बड़े प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के अंदर अपना CM बनाया। ये बहुत बड़े नेता, और आप अंदाज़ इस बात के लाते, उन्होंने जितनी भी की उन्होंने सेल्फलेस सर्विस की, अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाई। जब माने से जब पूना में थे, वो माने से लेटर लिखा कि आ जा, तेरी शादी है घर में आ जा, तो जवाब में जो उन्होंने कहा था, माँ ना तो मैं शादी करूँगा और ना ही मैं घर लौट के आऊँगा। और इस बात को उन्होंने बाखूबी से सारी उम्र, ना तो वो घर गए, ना उन्होंने शादी की, और उनका जो परिवार है, जितना भी SC ST OBC अगर जो भी मजलूम जो परिवार, सारा उनका परिवार है, उनको अपना परिवार मानते थे, और सारी उम्र उनके हकों के लिए लड़ाई लड़ी। आज महान हस्ती को हम सल्यूट करते हैं, छत छत नमन करते हैं कि जिसने इस मुल्क की राजनीति की दशा और दिशा ही बदल दी, और सारी उम्र उन्होंने मजलूमों के लिए, गरीबों के लिए, दबे कुचलों के लिए काम किया। आज हम उसे छत छत नमन करते हैं।